हेलो गाइस, वेलकम टू योर होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आज आरआरबीपीओ का मेंस का एग्जाम था, तो अभी मैं आरआरबीपीओ का जो मेंस का एग्जाम होगा उसका रिव्यू करूंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट अगर मैं रीजनिंग का बात बोलता हूँ, रीजनिंग सेक्शन मॉडरेट था लेकिन मॉडरेट प्लस लेंदी भी था। ठीक है, तो बच्चे वहां पे तो क्वेश्चन ड्यूएबल थे लेकिन थोड़ा सा बच्चे को उसमें क्या हो रहा था, कॉम्प्रीहेंड करने में, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ठीक है, अगर मैं क्या क्या टॉपिक देखने को मिला उसके बारे में अगर बात करता हूँ, सिलोली रिलीजन से तीन क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद इनइक्वालिटी से न्यू थोड़ा सा अलग था, प्री लेवल का नहीं था, वहां से दो क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, इनपुट आउटपुट से पांच क्वेश्चन था जहां पे वर्ड प्लस नंबर देखने को मिला था। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का तीन क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल यहां से चार था। ठीक है, यहां से फर्स्ट जो था स्क्वायर टेबल था, जो सेंटर वाला था वो नॉर्थ फेस कर रहा था, जो आपका साइड वाला था वो आउटसाइड फेस कर रहा था, एंड उन लोगों के पास कुछ टिश्यू पेपर थे। ठीक है, उसके बाद मंथ बेस्ड पजल था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चार मंथ था, उसको अरेंजमेंट करना था। उसके बाद अगर बोलूं स्ट्रेट लाइन था 8% था। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग से भी तीन से चार क्वेश्चंस देखने को मिला। अगर मैं ओवरऑल रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग पेपर मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, मॉडरेट था। बच्चे ने यहां पे अच्छा खासा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैक्सिमम बच्चे ने 30+ या 25+ अटेम्प्ट किया है, नो वैसा नहीं है। अगर आप रीजनिंग में 20+ विथ 100% एक्यूरेसी अटेम्प्ट करके आए हो तो मेरे हिसाब से ये गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, जैसे तो ये तो हो गया रीजनिंग का। अगर मैं क्वांट का बात करूं, जैसे मैंने एग्जाम का पहले भी बोला है कि क्वांट थोड़ा सा टफ देखने को मिलेगा, एंड वही देखने को मिला। क्वांट का पेपर बच्चों को टफ लगा, वहां पे तीन डीआई देखने को मिला, एक पाई चार्ट था जहां पे बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर दिए हुए थे, बॉयज से टोटल 80, गर्ल्स का नंबर था 120 आया हुआ था, टेबुलर डीआई आया हुआ था, वहां पे वेरिएबल था एक्स वाई जेड, और एक कैशलेट था जो चेयर एंड टेबल को परचेस के ऊपर था। ठीक है, जो मिसिंग नंबर सीरीज था मॉडरेट लेवल का पांच, वो डुएबल था, बच्चे ने वहां पे ये वाला क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक्स तीन से चार क्वेश्चन, लेकिन ये प्री लेवल का क्वाड्रेटिक नहीं था, ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वाड्रेटिक था। क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू भी आया हुआ था 2 से 3 मार्क का, एंड रिमेनिंग एरेथमेटिक का। लेकिन अगर एरेथमेटिक का बात बोलूं, ये उतना इजी नहीं था। ठीक है, ये उतना इजी नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था, बच्चों को क्वांट थोड़ा सा टफ लगा, एंड मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे उतना ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें आपने 10 या 10+ with 100% एक्यूरेसी अटेम्प्ट किया है तो मेरे हिसाब से ये गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए इंग्लिश के बारे में। ठीक है, इंग्लिश अगर आप लास्ट 2 से 3 साल में देखिए, कोई भी एग्जाम हो इंग्लिश उतना टफ देखने को नहीं मिलता है। आज का पेपर में भी इंग्लिश टफ नहीं है, आप मॉडरेट बोल सकते हो। अगर आपका इंग्लिश में अगर आपने 20+ अटेम्प्ट किया है तो मेरे हिसाब से ये अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, अभी आ गया जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में एक थोड़ा सा गेम हो गया, क्या हो गया कि इसमें जो लेटेस्ट थोड़ा जब जनरल अवेयरनेस था, लेटेस्ट करंट अफेयर बच्चों को देखने को नहीं मिला, ये बहुत कमती देखने को मिला, 5 या 6 या 7 जैसा ही देखने को मिला, उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला। पुराना मान लीजिए जो बच्चे LIC AA का मेंस दिए हैं, जो बच्चे LIC ADO का प्रिपरेशन में मेंस दिए हैं, उन बच्चों के लिए एक बेनिफिट हो गया क्या, वो थोड़ा जो भी पुराना आया था वो बच्चों का अटेम्प्ट हो गया। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला। तो जीए में अगर आपने 18+ अटेम्प्ट किया है विथ 100% एक्यूरेसी तो मेरे हिसाब से वो अच्छा अटेम्प्ट है। अभी करंट अफेयर देख, करंट अफेयर लास्ट टाइम का जैसे आप बोल सकते हो उतना ज्यादा टफ नहीं, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मतलब उतना हाई लेवल का टफ भी नहीं, उतना ईजी भी नहीं। ठीक है, तो इसमें भी आप 20+ अटेम्प्ट आप कर सकते हो। ठीक है, आज का जो मेंस का एग्जाम है ओवरऑल अगर गुड अटेम्प्ट बोलूं मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर आपने 90+ अटेम्प्ट किया है विद वेरी गुड एक्यूरेसी तो मेरे हिसाब से ये अच्छा अटेम्प्ट है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एंड शाम को मैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लेके आऊंगा स्टेट वाइज, जो लास्ट 2 से 3 साल का कंपैरिजन करके उसके साथ साथ वैकेंसी के ऊपर कंपैरिजन करके हर चीजों के ऊपर एनालिसिस करके ही मैं एक क्या करूंगा एक्सपर्ट कट ऑफ का वीडियो आप लोगों के लेके आऊंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।